सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज शिलोंग में मेरा तीसरा दिन है और बहुत ही मस्त हैवी ब्रेकफास्ट करके मैं निकला हूँ। मैगी, ब्रेड बटर एंड चाय, बहुत ही मस्त भाई। चाय तो बहुत मस्त थी एंड मैगी भी बहुत पैसा वसूल थी भाई। एंड एक्चुअली इतने सस्ते में आपको इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है। एंड ये गेस्ट हाउस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्लीन है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी सस्ती डील मिली थी इस गेस्ट हाउस में, बट मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी सर्विस मिल रही है। लोग भी बहुत अच्छे हैं, जो लिंक मैं गेस्ट हाउस की डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस बाज़ार, जिसको पीबी बोलते हैं यहाँ के लोग शॉर्टकट नेम है। सो पीबी मतलब पुलिस बाज़ार। तो मेरे गेस्ट हाउस से मुझे बाइक नहीं मिल रही है, एक्चुअली रैपिडो नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो रैपिडो में काम करते हैं, बट वो अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, आज मंडे है, इसीलिए वो लोग आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और काफ़ी कम लोग हैं। जो मेरा कल वाला बंदा था उसको मैंने कॉल किया, बट ही इज़ इन यूनिवर्सिटी राइट नाउ। तो मैं अभी वहीं पर जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी के पास, क्योंकि वहाँ से मुझे शेड कैब मिल जाएगी, जो कि 40 रुपीज़ चार्ज करेगी पोलो तक, और पोलो से पुलिस बाज़ार, और 50 रुपीज़ आई थिंक चार्ज हो जाएगा, मतलब 80 रुपीज़ ओवरऑल हो जाएगा। तो अभी न्यूज जाते और वही वो प्लेस है जो मैंने पहले वीडियो में दिखाई थी। काफ़ी अच्छा मौसम है और आज भी शावर हो रही है, इसीलिए छाता लेके निकला हूँ। और आज मैंने अपनी बैग भी ले लिया, क्योंकि मंडे है, मेरा भी थोड़ा बहुत काम है। भाई इतनी सी छोटी सी गाड़ी में 6-7 लोग जा रहे हैं। शिलोंग के पुलिस बाजार में, यहाँ पे मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी। मुझे एक्चुअली चाहिए मफलर रेड कलर का, अभी देखते हैं मिलता है कि नहीं। एक जगह पे मैंने देखा है और वो कलर अलग है, जाके ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा था। काफ़ी सारी इमारतें पोर्टुगीज से इन्फ्लुएंस है, क्योंकि यहाँ पे पोर्टुगीज़ काफ़ी साल तक यहाँ पे रहे थे, और यहाँ पे क्रिश्चियंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इंग्लिश तो वैसे भी बोलने ही वाले हैं। मैंने मफलर तो नहीं लिया क्योंकि बराबर नहीं था उसकी क्वालिटी। तो अभी मैं निकलने जा रहा हूँ एलिफेंट फॉल्स की तरफ, और यहाँ पर आज पब्लिक बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज मंडे है, आज सारे स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़ निकल रहे हैं अभी तक। तो अभी यहाँ पे मैंने अभी रैपिडो बुक किया, तो रैपिडो से मैं सीधा जाऊँगा एलिफेंट फॉल्स, 120 रुपीज़ ले लेगा, अभी वेट कर रहा हूँ उसके। भाई शिलोंग का ट्रैफिक तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत जबरा ट्रैफिक है भाई। छोड़ दिया और यहीं पे पीछे एयरफोर्स म्यूजियम, अगर जाना हो तो जा सकते हो। और यहाँ की एलिफेंट फॉल्स की एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन, और ये रहा उनका एंट्री टिकट, यहाँ से चल के ही जाना पड़ेगा। सारी गाड़ियाँ यहीं पे पीछे पार्क है, यहाँ पे भी शॉप है, शॉपिंग कर सकते हो। तो फॉल्स की आवाज़ आ ही रही होगी, और 100 रुपये काफ़ी महंगे है यहाँ पर। Oh,
शिलोंग में आता है, तो यहाँ पे काफ़ी ठंडी है। तो वैसे एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट है, जैकेट पहनने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड वो था फर्स्ट फॉल्स, अभी मैं जा रहा हूँ सेकेंड एंड थर्ड फॉल के पास। तो ये देख लो मेरे पीछे और आगे जंगल है पूरा, वाव। एलिफेंट फॉल्स का गेट और यहाँ से एग्जिट लेते ही एक छोटी सी फ्रूट की शॉप है और वहाँ से मैंने फ्रूट प्लेटर लिया है, 100 रुपीज़ का पड़ा है और मैम बना रही है अभी, देखते हैं क्वांटिटी कैसी है। एलिफेंट फॉल्स से निकल चुका हूँ, लंच कर लिया है, फ्रूट प्लेटर ले लिया है, 100 रुपीज़ का था। और यहाँ से अभी फिर से जाऊँगा पुलिस बाज़ार और यहीं से भी रैपिडो ही पकड़ लूँगा। एंड काफ़ी अच्छा था वाटरफॉल, बट चार्ज कुछ ज़्यादा ही है, 100 रुपीज़, 30 या 50 रुपीज़ होना चाहिए। बाकी ये जगह काफ़ी क्लीन है और ग्रीनरी तो आप देख ही सकते हो, काफ़ी ग्रीन है। तो एलिफेंट फॉल से मुझे कोई राइड नहीं मिल रही थी रैपिडो की, बट एक सर यहाँ पे है। सर आपका नाम क्या है? रंकोरदो। कौन सा नाम? रंकोरदो। रंकोरदो इज वेरी नाइस गाय, ही इज़ ड्रॉपिंग मी समवेयर अहेड अराउंड 4 to 5 kilometers। ओके, तो मैंने उनसे लिफ्ट मांगी तो उन्होंने मुझे लिफ्ट दे दी एंड वो लोग मुझे एक अंजलि पेट्रोल पम्प है वहाँ पर छोड़ देंगे। कभी कभी राइड नहीं मिले तो भाई ये ट्राई करना पड़ेगा, हिच हाइक बोलते हैं इसे, हिच हाइक। बाहर तो काफ़ी खतरनाक बारिश हो रही है। अच्छा हूँ मैं कार में हूँ एंड थैंक्स टू दिस मैन, सीरियसली। ये रहा अंजलि पेट्रोल पम्प और यहाँ से शेड कैब मिल जाती है पुलिस बाज़ार के लिए और काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है। ये चेरापूंजी जाने का, मतलब सोरा जाने का टैक्सी स्टैंड, यहाँ से आपको शेड कैब मिल जाएगी सोरा के लिए, जो कि मैं कल जाने वाला हूँ तो फिर यहीं पर आऊँगा। चलते चलते जीएस रोड पे आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक एंड बहुत ही ज़्यादा पब्लिक है, बहुत ही ज़्यादा शॉप भी है, तो देख लो भाई ट्रैफिक। और गूगल मैप पे भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो पूरा लाल, जो कि जीएस रोड का है। और बहुत ही सारे स्टूडेंट्स यहीं पे चल रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ उनके साथ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ इंडियन लेक। भाई आज तो बड्डा अखटरा कर ही लीधा, बस में बैसी लीधो, कैब में फरी लीधो, मफत में आ गयो। एनीवे अभी उमियम लेक जाने के लिए और कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज उमियम लेक ये मौलाई है और मौलाई से कैब मिल जाएगी उमियम लेक की तरफ, और उमियम लेक यहाँ से और आई थिंक 8 kilometers है। सो चलो। तो इन सर ने मेरी काफ़ी हेल्प की और उन्होंने काफ़ी समझाया रिटर्न जाने के समय। और ये है उमियम लेक, ये मेन गेट है यहाँ का, तो यहाँ से अंदर जाते हैं। भाई आज तो बहुत सारे अखटरे हो गए, लास्ट में शेयर टैक्सी बाकी थी वो भी ले ली और 50 रुपीज़ उसको दे दिए। तो भाई एंट्री टिकट ले चुका हूँ, ये रही 60 रुपीज़ की पड़ी। भाई यार ये तो मुझे 50 बोला गया था, यहाँ पर 60 देना पड़ा, काफ़ी महंगा उठा जा रहा है भाई ट्रिप तो। सो गाइज वेलकम टू वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन शिलोंग, दिस इज उमियम लेक एंड ये आर्टिफिशियल है और ये काफ़ी ऑफबीट जगह है जहाँ पे कोई नहीं आता। अभी मैं और कुछ 5-6 लोग ऊपर है। तो ये जो आप देख रहे हो रोलिंग माउंटेन्स, इसी की वजह से शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है।
नज़ारा भी काफ़ी सुंदर है। और मैंने एक कोई रास्ता ढूंढा है, वहीं से मैं आया हूँ। आप सीधा आओगे तो राइट साइड पे एक छोटा सा ऐसा रास्ता बना हुआ है, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे एक छोटी सी हट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आपको बेस्ट नज़ारा मिलेगा उमियम लेक का, और फोटोज़ भी काफ़ी अच्छी आएगी। मेरी फ़ोटोज़ थोड़ी काली आ गई बिकॉज सनसेट हो रहा है अभी, तो इसलिए काली आई। मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हो वो पाइन वुड है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये इतना लोकल बसेस शायद टैक्सी क्यों पकड़ रहा है, बाइक क्यों नहीं रेंट करता है? सर देख लो, बाइक रेंट मैं कर सकता हूँ, बट मैंने क्यों नहीं की, बिकॉज सोलो में इतना मज़ा नहीं आता बाइक रेंट करने में। अगर सोलो बाइक रेंट करूँगा तो कैमरा कौन पकड़ेगा, बैग कहाँ पर रखूँगा, मतलब बैग रख सकता हूँ बट मैं गूगल मैप्स कहाँ से देख पाऊँगा, तो इसीलिए फिर मैंने बाइक रेंट नहीं की। अगर कोई और एक जन मेरे साथ होता तो डेफिनेटली मैं टू व्हीलर रेंट कर ही लेता और पूरा शिलोंग घूमता, बहुत ही अच्छी तरीके से घूमता, वो चलाता रहता या फिर मैं चलाऊंगा, वो शूटिंग करेगा या फिर मैं शूटिंग करूंगा। तो सोलो राइड कर रहे हो तो ये सब तो करना ही पड़ेगा, तभी आपके पैसे बचेंगे, नहीं तो बहुत सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे खाली फोकट के। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सोलो घूम रहे हो तो ये चीज़ तो करना ही पड़ेगा, बट तीन चार लोग साथ में हो तो फिर बाइक रेंट कर लो, स्प्लिट हो जाएगा एक्सपेंसेस, तो वो अच्छा पड़ेगा। पर लेकिन सोलो ट्रैवल करने का मज़ा कुछ अलग है और ग्रुप के साथ ट्रैवल करने का मज़ा कुछ अलग है, बस। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कौन सा चुनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो मैं अपनी तरह कैसे घूम रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लग रहा है, जो आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, DM करो मुझे, मैं कहीं भी जाऊँगा आपको पूछ लूँगा आना हो तो। लेक के बाहर से ही टैक्सी मिल गई, अच्छा है। आ चुका हूँ होम स्टे पे अभी, बस बहुत थक गया हूँ आज, तो ये वीडियो को एडिट करेंगे और पब्लिश कर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी थॉट्स हो तो कमेंट में डाल दो। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।